हेलो फ्रेंड्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट थ्री, अल्टरनेट करंट, एसी करंट। एसी करंट जो होता है वो आपका फिक्स मतलब सीधा नहीं चलता है, ये एक फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंदर, मतलब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसमें होती है, 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। हाँ, बेसिकली ये पूरी कंप्लीट एक साइकिल, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट एक साइकिल कहलाती है, तो इसको हम एक कंप्लीट एक साइकिल बोलते हैं। प्लस अगर एसी करंट की अगर बात करूँ तो ये हाई वोल्टेज को ट्रांसफ़र कर सकने में सक्षम होता है, लंबी दूरी तक ले जाया लाया जा सकता है, इसमें हाई वोल्टेज हो सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा अगर एसी के थोड़े से एडवांटेज की बात करूं तो 400 केवी तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता, एसी की धारा में थोड़ी सी कंपन होती, इससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हम नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें और अगर चीज़ें देखा जाए तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो निकोला टेस्ला माने जाते हैं। एसी इन्हीं के द्वारा एक तरीके से बनाया गया था, क्योंकि जो थॉमसन का इन्वेंशन था वो सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही था, डीसी था। प्लस इसकी रेंज जो एसी की होती है ये दूर तक, हज़ारों किलोमीटर तक, लाखों किलोमीटर तक ले जा सकते हैं ट्रांसफार्मर का यूज़ करके। निकोला द्वारा कई चीज़ें बनाई गई, जैसे रेडियो लेज़र सब निकोला द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा जो एसी होता है इसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। एसी में देखिए जो करंट चलता है वो अप एंड डाउन दोनों चलता है। तो एसी करंट में जो आप अगर देखेंगे तो एक बार अगर बल्ब जल रहा है तो एक बार बुझेगा, फिर जलेगा, जलेगा, बुझेगा, जलेगा, बुझेगा, जलेगा, इतनी तेज़ी से वो जलता और बुझता है कि हमें दिखाई नहीं देता, हमें वो जलता हुआ ही दिखाई देता। अगर एसी कोई मोटर है तो भी एक बार चल के बंद होती है, लेकिन वो इतना तेज़ होता है कि हम उसको समझ नहीं पाते, इस कारण हमें लगता है कि वो चीज़ कंटिन्यू चल रही है। एसी करंट की अगर बात करें तो जो हमारे घरों में आते हैं, हमारे घरों में तीन फेज़ होते हैं, एक फेज़, सिंगल फेज़, तीन फेज़, आप जितने लेना चाहो वो ले सकते हैं। वहाँ पर ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन कर देता है और फिर वो हमारे घरों तक आता है। हाई टेंशन लाइन में जो एसी करंट होता है 69 केवी, 115 केवी, 230 केवी, 500 केवी, 765 किलोवोल्ट केवी तक होता है, लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा हाई टेंशन लाइन से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं वो हमारे घरों तक 220 वोल्ट उसको स्टेप डाउन करके लाते हैं। रेलवे की जो हाई टेंशन लाइन्स होती हैं उसमें 25 केवी एसी करंट फ्लो करता है। तो इस तरह से एसी करंट होता है। एसी करंट का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसे स्टोर नहीं किया जा सकता, बड़े बड़े पावर स्टेशंस में हम इसे बना सकते हैं, वहीं पर ये बनता है और वहीं से फिर हमारे घरों तक आता है, और इस तरह से कुछ अप डाउन की स्थिति में होता है। तो इसका जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ क्या होता है, अप डाउन होता है, और 50 हर्ट्ज की इसकी फ्रिक्वेंसी मानी जाती है। तो एसी करंट और डीसी करंट के बारे में ये जानकारियाँ थी जो मैंने आपको डीसी और एसी में समझाई। तो हमारे घरों में जो आता है वो एसी आता है, लेकिन जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो सब डीसी में चलते हैं। तो एसी से डीसी जो करता है उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। उसके लिए आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर SMPS लगा होता है, मोबाइल में आपने अडाप्टर देखे होंगे, लैपटॉप में आपने अडाप्टर्स देखे होंगे जो एसी को डीसी करंट में बदलते हैं, और एसी को डीसी के अंदर जो चीज़ बदलती है उसके अंदर होता है रेक्टिफिकेशन, जिसको डायोड पूरा करता है। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफिकेशन के द्वारा क्या होता है वो रेक्टिफिकेशन होता है। इसके अलावा अगर आपको डीसी से एसी में जाना है तो वहाँ पर आपको इन्वर्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। डीसी में आपको प्लस माइनस पोलारिटी का ध्यान रखना है, एसी में पोलारिटी नहीं होती, प्लस माइनस का कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है। इसमें आपको कैसे भी आप उसको लगा सकते हैं। जो आपका फेस, न्यूट्रल और अर्थ, इसमें तीन वायर होते हैं, तो फेस का कलर होता है रेड, न्यूट्रल का कलर होता है ब्लैक, और अर्थ का कलर होता है ग्रीन। या फिर एक और पद्धति चलती है, फेस को ब्राउन ले लेते हैं, न्यूट्रल को ब्लू ले लेते हैं, और अर्थ को ग्रीन या येलो भी लिया जाता है। तो ये तीन चार दो स्टैंडर्ड हैं जिसके अनुसार एसी और डीसी को जो फेस, न्यूट्रल और अर्थ होते हैं उनके कलर इस तरह से डिसाइडेड होते हैं। एसी करंट का फ्लो दोनों डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया, दोनों दिशा में हो सकता है। एसी करंट का फ्लो इतनी तेज है, जो फ्लो होता है अप डाउन प्लस माइनस का, वो इतनी तेज होता है कि हमें दिखाई नहीं देता है। एसी और डीसी दोनों डायनामिक करंट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा स्टैटिक करंट मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, स्टैटिक करंट यानी स्थिर, जो घर्षण के कारण होता है, बालों में कंघी के रगड़ के कारण, कपड़े पहनते समय स्किन में जो रगड़ हो जाती है उसके कारण वो पैदा होता है, उसको हम एक ही जगह पर रख सकते हैं, उसको दूरी तक ले जाया नहीं जा सकता। इसके अलावा एसी और डीसी दोनों करंट आप बना सकते हैं, इसके लिए आप भाप इंजन का यूज़ कर सकते हैं, हवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक आर्मेचर जैसा डिवाइस यूज़ होता है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच एक
आर्मेचर को अंदर लगाया जाता है, जिसमें मैग्नेटिक जिसमें लूप ऑफ वायर्स होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखकर चलाने से, वायर घूमने से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, चार्ज हो जाता है, इसी से आपका एसी करंट इसी से आपका करंट पैदा होता है और वो फिर फ्लो होना स्टार्ट होता है। करंट बेसिकली जो भी आएगा उसको मीडिया चाहिए जिसके द्वारा क्या होता है वो आगे बढ़ता है। तो ये था बेसिक जो एसी करंट था। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार।